क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 5.3 को आज क्वेश्चन नंबर 11 या 12 क्वेश्चन नंबर 12 को बनाना है। क्वेश्चन लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? 6 से। हल कीजिए 6 से 6 का 6 6 दुना 12 36 18 6 6 24 डैश कितना तक है? 40 तक। ए बराबर 6, डी बराबर भी 6, एन बराबर हो जाएगा 40। तो एस एन बराबर हम लोगों को ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है, अब समझ जाइए यहाँ पर डायरेक्ट लिखना उचित नहीं होगा, चलिए बता दें। ये ए वन होता है, ये ए टू होता है, ये ए थ्री होता है, और हम लोग का कुल कितना दिया है? 40। तो ए बराबर हम लोग का हो जाएगा 6, डी बराबर सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान 12 है माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और एन का मान कितना हम लोग का? तो पूरा टोटल 40 दिया है। कितना दिया है? 40। एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एन का मान कितना दिया हम लोग का? 40 बटा दो, दो ए का मान कितना है? 6 प्लस एन का मान है 40 माइनस एक इंटू डी का मान कितना है? 6। 20 20 हो जाएगा, 6 दुना कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पर 39 पूरे हो जाएगा 6। चलिए अब हम लोग कर देते हैं 20, चाहे इसको भी मत करो, यहाँ पे कर दो 40 बटा कितना कर दो? 2। चालीस बटा दो, दो गुणे 6 प्लस 39 गुणे 6 आ गया बच्चों, 40 बटा दो बराबर 2 गुणे 6 प्लस यहाँ पर हम लोग कितना से गुणा करेंगे? 6 से, 54 के 4 हाथ में लगा 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 40 बटा दो 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 234। यहाँ पर 40 बटा दो गुणे दोनों को जोड़ 6 4 2, इसको हम कटा देंगे 1 2 3, 40 गुणे 123। चलो गुणा कर लो 40 गुणे 123, तो 123 को हम लोग 4 से गुणा कर लेंगे, 12 के तो हाथ में लगा 1, यहाँ पे 8 है, कितना हो जाएगा? 9, 4 4920, ये हम लोग हो जाएगा 4920। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, तो 8 के गुणज होना चाहिए,
हल हम लोग करते हैं। हल में लिखा गया आठ का आठ, आठ नौ सोलह, आठ का चौबीस, आठ चौक बत्तीस, डाइड करते करते कितना हो जाएगा, पंद्रह तक हो जाएगा। ये ए वन होता है, ये ए टू होता है, ये ए थ्री होता है, ये ए फोर होता है। आगे चलते जाएगा, ए बराबर हम लोग का हो जाएगा आठ, डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस होता है ए वन। सोलह में से आठ घटाएंगे कितना हो जाएगा, सोलह में से आठ घटाएंगे कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, उसका अगले निकाल दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर पंद्रह। अब एस एन बराबर एक सूत्र होता है, एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू कितना होता है डी। एन बराबर कितना दिया हमको, पंद्रह, पंद्रह बटा दो। ए का मान कितना है आठ, प्लस एन का मान कितना है तो पंद्रह माइनस एक इंटू डी का मान कितना है आठ है। पंद्रह बटा दो, दो गुण आठ प्लस यहाँ पर हो जाएगा चौदह गुण कितना हो जाएगा आठ। पंद्रह बटा आठ यहाँ पर हो जाएगा आठ में कितना हो गए सोलह, प्लस हो गए चौदह सत्रह अंठानवे, चौदह आठ कितना हो जाएगा एक सौ बारह। पंद्रह बटा हो जाएगा तो इसको जोड़ दीजिए हो जाएगा यह एक सौ अट्ठाईस। पंद्रह बटा दो गुणे एक सौ अट्ठाईस, छोड़ना वाला चौंसठ, पंद्रह गुणे चौंसठ गुणा कर दो चौंसठ में पंद्रह सौ, बेस की जीरो आगे लगल दो आप हो जाएगा तीस और दो बत्तीस चौंसठ जीरो छ नौ कितना हो जाएगा यहाँ पे नौ सौ साठ, कितना हो जाएगा नौ सौ साठ। चौदह नंबर प्रश्न देखना है, जीरो और पचास के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। आप ध्यान रखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो से जीरो के बाद एक दो तीन डैश डैश कितना हो जाएगा उनचास, उसके बाद कितना हो जाएगा पचास। तो अब हम लोग यहाँ पे उनचास से कितना तक हो गया पचास तक, जीरो से लेकर कितना तक पचास तक, ये हम लोग का विषम एक है, ये दो है, ये विषम संख्या है। सिर्फ हम लोग को विषम संख्या के बारे में लिखना था, डैश करते। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग इसको हटा दीजिए जीरो और यहाँ से हटा दीजिए कितना पचास। ए बराबर हो जाएगा एक, डी बराबर हो जाएगा कितना दो, और एन बराबर हो जाएगा उनचास। तो एक सूत्र पर होगा एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एक इंटू कितना होता है डी। ए का मान होता है एक प्लस, एन का मान होता है उनचास माइनस एक इंटू डी का मान कितना होता है दो। एक प्लस उनचास में से हो जाएगा अड़तालीस यहाँ पे दो, एक यहाँ पे हो जाएगा सोलह का छः आठ, सोलह का छः हो जाएगा आठ, आए कितना हो जाएगा नौ, यहाँ पर कितना हो जाएगा संतान संतान। देखो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए, एन बराबर कितना है, एन बराबर हम लोग का है उनचास,
आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए, यहाँ पे एन बराबर 49, ए के मान 1 प्लस एन के मान कुछ नहीं, यहाँ पे एक डी के मान कितना है 2, 49 बराबर 1, यहाँ पर 2n, यहाँ पर माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, 49 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पर 2n हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा 2n, इसलिए n बराबर हो जाएगा 50 बटा 2 बराबर कितना हो गया 25, यानी n का मान कितना हो गया हम लोग को 25। अब हम लोग को एसर निकालना है, एसर निकालेंगे तुरंत बन जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर लिख लीजिए कि n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 25। अब हम लोग को एसर निकालना है, आप एसर बराबर आप लोग देख लीजिए, एसएन बराबर होता है एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू कितना हो जाएगा टू, यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा दो, दो गुणे ए का मान कितना हो जाएगा एक प्लस एन के मान 25 माइनस एक और डी के मान कितना हो जाएगा दो, 25 बटा दो, दो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे दो, यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा दो गुणे 24 गुणा 48 है तो कितना हो जाएगा 50, इसे से कटाएंगे 25, 25 में हम लोग गुणा करेंगे 25 से, 25 में 25 से गुणा करेंगे 625। तो आज आप लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, मौसम खराब है ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को चाह रहे हैं कि जल्दी से छुट्टी कर दें, इसको नोट कर लीजिए, बस आज इतना ही तक रहेगा, बाकी के लिए अब कल बताया जाएगा।